हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की पेपर फर्स्ट की यूनिट 7 का टॉपिक है। आरपीएससी की जो प्रीमिट जिससे पहले की जो यूनिट्स हैं उसके लिए आप प्लेलिस्ट पर जाकर चेक करिए। हर एक प्लेलिस्ट में कंप्लीट वीडियो और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि ये वीडियोस आपको आगे भी हेल्प करते रहें और आपके लिए जो और दूसरे आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी ये हेल्प कर सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि है फोलियर स्टैमंस एंड ओपन कार्पल्स। जो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म की हमने पिछले लेक्चर में बात की थी उसमें बार बार एक वर्ड आ रहा था लैमिनार स्टैमन। तो लैमिनार स्टैमन या फोलियर स्टैमन जो है एक ही टर्म के लिए यूज़ किया जाता है जिसका मतलब होता है लीफ लाइक स्टैमन। जो प्रिमिटिव प्लांट्स थे उनमें लीफ लाइक स्टैमंस एंड ओपन कार्पस देखने को मिलती थी तो उसे ही हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। पहले जो हमने टर्म यूज़ की फोलियर स्टैमन, इसके बारे में हम जान लेते हैं कि फोलियर स्टैमन क्या है। तो देखिए फोलियर स्टैमन क्या है, ये प्रिमिटिव टाइप का स्टैमन है। प्रिमिटिव टाइप के जो स्टैमन थे हमने कल भी देखा था कि उसमें स्टैमन और एंथर या हम कहें कि फिलामेंट और कनेक्टिव्स या एंथर्स के बीच में कोई भी डिफ्रेंशिएशन देखने को नहीं मिल रहा था। जो स्टैमन थे वो अनडिफ्रेंशिएटेड थे, अविभेदित टाइप के थे। जो मोस्ट प्रिमिटिव स्टैमन है लिविंग एंजियोस्पर्म का वो वुडी रेनल्स में देखने को मिलता है, जो कि कैसे होते हैं, ब्रॉड मोर और लेस लीफ लाइक ऑर्गन होते हैं। ठीक है, इनमें वीक डिस्टिंक्शन देखने को मिलता है फर्टाइल और स्टराइल पार्ट में। मतलब कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इसका कौन सा पार्ट फर्टाइल है कौन सा पार्ट स्टराइल है, यानी कि कहाँ तक का पार्ट स्टराइल है कहाँ तक का फर्टाइल है, वो आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। ये अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं कि किस टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ देखने को मिलता है तो देखिए प्रिमिटिव स्टैमन मोर और लेस कैसे थे, लीफ लाइक स्ट्रक्चर था। जो कि देखिए ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम कहते हैं स्पोरोफिल, हिंदी में कहते हैं बीजाणुपर्ण। तो इवोल्यूशन जो हुआ, देखिए यहाँ पर आपको स्पोरेंजिया देखने को मिल रही है, माइक्रोस्पोरेंजिया जिसमें पॉलन बनते हैं। तो पहले ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था, धीरे धीरे इसकी ब्रॉडनेस जो है वो कम होती गई और बाद में जो है ये ब्रॉडनेस और कम हो गई और जो अभी एडवांस्ड जो एंजियोस्पर्म हैं उनमें इस टाइप के स्टैमंस जो हैं देखने को मिलते हैं जिसमें एंथर और फिलामेंट जो कि ये फर्टाइल पार्ट है स्टराइल पार्ट है दोनों में डिफरेंशिएशन बहुत ही इजीली देखने को मिलता है। ये कुछ प्रिमिटिव स्टैमंस हैं, देखिए ये है ऑस्ट्रोबेलिया में, डीजेनेरिया, मैग्नोलिया एंड हेमांटोंड्रा। इन सब में अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो सब में ही आपको फिलामेंट में एंथर में कोई डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिल रहा, फर्टाइल स्टराइल पार्ट में कोई डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिल रहा और सारे के सारे जो हैं कैसे हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर हैं। इसीलिए हम इसको फोलियर स्टैमन और लेमिनार स्टैमन कहते हैं। स्पोरेंजिया जो हैं वो कहाँ पर बोर्न होती हैं, अगर आपने पीछे देखा हो तो जो स्पोरोफिल है उसके सेंटर के नियर में बॉर्न हो रही हैं। अगर हम कहें डीजेनेरेसी, एनोनेसी और हेमेटेंडेसी में तो इसमें एबेक्शियल साइट पर हो रही हैं। ऑस्ट्रोबेलिया, मैग्नोलिया और अदर प्रिमिटिव टैक्सा के अंदर एडेक्शियल साइट के अंदर है। एक बार मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ, देखिए डीजेनेरिया और हेमेटेंड्रा इनमें कहाँ पर है, एबेक्सियल साइड में है और मैग्नोलिया और ऑस्ट्रोबेलिया में कहाँ है, एबेक्सियल साइड के अंदर प्रेजेंट है। सॉरी एक सेकेंड मैं आपको फिर से बताती हूँ, इसमें और इसमें एबेक्सियल साइड में है और डीजेनेरिया और हेमेटेंड्रा में एडेक्सियल साइड के अंदर प्रेजेंट है। आप यहाँ देखिए इससे आप इवोल्यूशन जो है वो देख सकते हैं किस तरीके से हुआ। ये ऑस्ट्रोबेलिया है, इसका जब हम सेक्शन काटते हैं क्रॉस सेक्शन तो देखने में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, बीजाणुपर्ण से लगे हुए माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलती है। बाद में थोड़ा इवोल्यूशन हुआ तो इसके अंदर जो ग्रीन पार्ट है लीफी स्ट्रक्चर जो है कम होता चला गया, इसका क्रॉस सेक्शन जो है कुछ देखने को इस तरीके से दिखता है। तो ये फोलियर स्टैमंस हैं मॉडिफाइड लीव्स या स्पोरोफिल के रूप में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे जो है इवोल्यूशन हुआ, अगर हम कहें
कि जो प्रिमिटिव फैमिलीज़ हैं उनमें इवोल्यूशन हुआ, और जो अब एडवांस फैमिली हैं उनमें अगर आप देखेंगे तो डिफरेंस जो है क्लियरली देखने को मिलता है। देखिए, मोस्ट प्रिमिटिव स्टेमन है, यहाँ पर आप फर्टाइल स्टेराइल पार्ट में डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते। धीरे धीरे फर्टाइल पार्ट जो है आपको ये येल्लो कलर से दिख रहा है, फर्टाइल पार्ट जो है डिफ्रेंशिएट होता गया, नीचे का जो फोलियर पार्ट है ये देखिए पतला होता चला गया, और लास्ट में आज जो हम एडवांस स्ट्रक्चर देखते हैं इस तरीके का, ये एडवांस स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर दिखाई देता है। तो अगर हम यहाँ पर एक ऑर्डर क्रिएट करते हैं तो सबसे पुराना आपको सेरेटोफिलेसी में और सबसे नया जो है वो निम्फेसी के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं स्पेशलाइजेशन क्या है फोलियर स्टेमन के। देखिए क्या हुआ, जब इवोल्यूशन हुआ तो क्या हुआ, स्टेराइल टिश्यू तो रिड्यूस होते गए, ठीक है, और मार्जिनल एरिया की तरफ रिट्रैक्ट हो गए। लेमिना जो हैं वो धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली नैरोड होती चली गई। प्रॉक्सिमल पार्ट जो है वो फिलामेंट के अंदर बदल गया, जो मीडियन सेक्शन था स्पोरिंजिया के साथ वाला, और जो डिस्टल पार्ट था उसने क्या बना लिया, एंथर का फॉर्मेशन कर लिया। प्रॉक्सिमल पार्ट ने तो फिलामेंट बना लिया, और जो डिस्टल पार्ट था उसने क्या बना लिया, एंथर बना लिया। एंथर में मिड वेन रीजन बना, ठीक है, जिससे कि कनेक्टिव का फॉर्मेशन हुआ, और एक स्टेराइल डिस्टल पार्ट जो है वो अपेंडिजिस के रूप में यहाँ पर शो होने लगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये फ्रंट व्यू है, ये पहले इस तरीके से लीफ लाइक स्ट्रक्चर था, धीरे धीरे ये जो आपके माइक्रोस्पोरिंजिया थे वो देखिए मार्जिन पर चले गए, और जो स्टेराइल पार्ट था वो कैसा होता गया, नैरो होता चला गया, और लास्ट में जो स्टेराइल पार्ट था ये फिलामेंट के रूप में आ गया, और जो आपकी माइक्रोस्पोरिंजिया थी वो एंथर के रूप में आ गई। तो अर्ली स्टेमन्स कैसे थे, लीफ लाइक थे जिनकी माइक्रोस्पोरिंजिया सरफेस पर थी, उसके बाद जो स्टेमन है वो नैरो होते चले गए, और लास्ट में क्या हुआ कि जो माइक्रोस्पोरिंजिया है वो स्टेमन के टिप्स के ऊपर क्लस्टर हो गई, और उसने एक एंथर का फॉर्मेशन कर लिया, और जो रेस्ट था स्टेमन वो एक एलोंगेटेड फिलामेंट के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो मोस्ट एडवांस टाइप का जो है अभी हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, पहले ये स्ट्रक्चर था, देन इवोल्यूशन इस तरीके से हुआ, धीरे धीरे मार्जिन पर चले गए, जो फॉलियर पार्ट था वो नैरो होता चला गया, और लास्ट में जो मोस्ट एडवांस टाइप का जो स्टेमन है वो हम देख सकते हैं। तो इसे जो है हम इवोल्यूशन ऑफ स्टेमन में भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज ओपन कार्पल की हम बात कर रहे थे, तो पहले हम जानें कि कार्पल क्या होती है। ठीक है, कार्पल वर्ड जो है वो एक वर्ड कार्पस से निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है, फ्रूट या फल। तो प्लांट्स में कार्पल एक ऐसा ऑर्गन होता है जो कि फ्रूट को डेवलप करता है, उसके अंदर सीड्स होते हैं जो कि ओवरी वॉल के अंदर एनक्लोज होते हैं। ठीक है, जब एक से ज़्यादा कार्पल्स एक साथ यूनाइटेड हो जाती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, गाइनोसियम या जायांग कहते हैं। धीरे धीरे जब ऑर्गेनिजम्स में इवोल्यूशन हुआ तो इवोल्यूशन कैसा था, एक नेचुरल फिनोमिनोन था जिससे कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में या ऑर्गन में ग्रेजुअल चेंजेस आए, जो कि पहले अलग तरीके का था, अब आपको अलग तरीके के चेंजेस यहाँ पर देखने को मिले। जब हम बात करते हैं ओपन कार्पल की, तो ओपन कार्पल जो है वो प्रिमिटिव टाइप की कार्पल है, जो कि कैसी थी, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर से ओरिजिनेट हुई थी। ठीक है, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम यहाँ ओपन मेगा स्पोरोफिल कह रहे हैं। ठीक है, और ये जो हैं जिम्नोस्पर्मस एंसेस्टर से डेवलप हुई थी, और इनमें जो है एक फिलोम कैरेक्टर देखने को मिलता था, मतलब कार्पल जो हैं वो भी लीफ लाइक थी जस्ट लाइक स्टेमन। तो अगर हम डीजेनेरिया और तस्मानिया के फ्लावर देखते हैं तो हमें ये दिखाई देता है कि किस तरीके की कार्पल पहले थी और क्या चेंजेस यहाँ पर देखने को मिले। तो इवोल्यूशन ऑफ कार्पल की जब बात करते हैं, पहले जो कार्पल थी इस तरीके की थी, इसको हम क्या कहते हैं, ओपन कार्पल कहते हैं। तो अगर कुछ इस तरीके का डायग्राम आता है और आपसे पूछा जाता है कि इसमें से ओपन कार्पल कौन सी है, जो फर्स्ट जो डायग्राम है आपका वो ओपन कार्पल है। तो ओपन कार्पल में अगर आप देखेंगे तो स्पोरोफिल है, और स्पोरोफिल की मार्जिन के ऊपर स्पोरेंजिया लगी हुई है। धीरे धीरे क्या हुआ, ये स्पोरोफिल जो हैं वो क्या हुई, फोल्ड होने लगी। तो फोल्ड होने लगी तो जो उनके स्पोरेंजिया थे वो भी सेंटर में आने लगे,
और सेंटर में जब आने लगी तो अगर आप देखेंगे इवोल्यूशन जब हुआ, यहाँ पर ये कम्प्लीटली फ्यूज हो गई है। तो जब ये फ्यूज हो गई है तो क्या हुआ, स्पोरेंजिया जो है इसके अंदर चली गई, ठीक है। तो ये एक सिंगल फ्यूज कार्पल है और ये थ्री फ्यूज कार्पल है। तो इवोल्यूशन बहुत ईजिली हमें देखने को मिलता है। ओपन कार्पल्स मीन्स प्रिमिटिव टाइप ऑफ कार्पल, जो कि ओपन मॉडिफाइड लीफ थी जिसकी मार्जिन के ऊपर स्पोरेंजिया प्रेजेंट थे। अब कार्पल में जो इवोल्यूशन हुआ, पहले कार्पल कैसी थी, ओपन थी, बाद में कैसी हो गई, क्लोज हो गई। जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, जो लीफी मेगा स्पोरोफिल थी उसमें ग्रेजुअल चेंजेस आए और वो ट्यूबुलर कार्पल के अंदर कन्वर्ट हो गई। प्रिमिटिव कार्पल कैसी थी, ओपन लीफी मेगा स्पोरोफिल थी, धीरे धीरे क्या हुआ, वो फोल्ड होने लगी, फोल्ड होकर एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के अंदर बदल गई। बाद में उसमें डिफ्रेंशिएशन हुआ और स्टिग्मा स्टाइलेंट ओवरी जो है दिखाई देने लगी, जैसे कि अभी हमने पीछे वाले डायग्राम में देखा था, ओपन थी, बीच में धीरे धीरे फोल्ड होने लगी, फोल्ड होकर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर दिया। यहाँ पर अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो ये कैसा है, फोल्डेड कार्पल है, ठीक है। और इस फोल्डेड कार्पल को देखने पर ऐसा लगता है कि लीफ है, लेकिन जब आप इसका यहाँ से TS काटते हैं तो TS जो है क्रॉस सेक्शन इस तरीके का दिखता है, जिसमें आपको ओव्यूल, ओवरी एंड स्टाइल तीनों चीज़ें क्लियरली दिखाई देती है। स्टिग्मा जो है वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। स्टिग्मा कौन सी है, सेक्शन में आपको नहीं दिख रही, लेकिन जो फोल्डेड पार्ट है वही इसकी स्टिग्मा है, क्लियर। अब हम चलते हैं आगे, एक बार फिर से देख लेते हैं कि किस तरीके का यहाँ पर चेंजेस हुए थे। ये फ्रंट लीव्स थी जिनकी मार्जिन के ऊपर ओव्यूल प्रेजेंट थे, ये धीरे धीरे फोल्ड हुई, फोल्ड होकर के कैसी हो गई, फ्यूज़ हो गई। और फ्यूज़ होने के बाद जो मोस्ट एडवांस्ड कार्पल है जिसमें स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी दिखाई देती है, वो डेवलप हुई। तो ओपन कार्पल्स मीन्स मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ कार्पल, फोलियर स्टेमन्स मीन्स मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्टेमन। ये दो छोटे छोटे टॉपिक थे, इसलिए इनको हमने एक साथ पढ़ लिया है। आई होप ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थोड़ा सा बोरिंग आपको लग सकता है, बट यहाँ पर फैक्ट्स आपको लेके चलने हैं, क्योंकि इस पार्ट से शॉर्ट क्वेश्चन बनते ही हैं। जस्ट लाइक कि जो ओपन कार्पल्स हैं वो मोस्ट प्रिमिटिव टाइप की हैं या मोस्ट एडवांस टाइप की है, इसके जो मोस्ट प्रोबेबल जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे जब ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर नॉलेजेबल बॉटनी वीडियोज़। थैंक यू।